तरह से एनसी के लीडर्स की बात करें, पार्टी छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। इस बीच दो बड़े नेताओं ने किस तरह से एनसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। आज की अगर बात करते हैं तो आज एक बार फिर कुछ एनसी के जो लीडर्स हैं जिन्होंने एनसी की पार्टी को जो है छोड़ दिया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम जो है ये भारतीय जनता ऑफिस में आज रखा गया है, जहां पर जम्मू की बात करें आज जो है किस तरह से कार्यक्रम होगा, कौन कौन से ऐसे बड़े नेता होंगे जो आज एनसी का दामन छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी रुख करेंगे, उस पर तमाम बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं पर जहां बात करें यह भी कहा जा रहा है कि जो बड़े नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें आपको बता दें कि धर्मवीर सिंह जो कि फॉर्मर डिप्यूटी मेयर जो है वो रह चुके हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही है। अब क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से ये बड़े जो नेता जो लोग हैं ये आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है, कौन कौन से नेतागण जो है भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मौजूद होने वाले हैं, इस पर भी तमाम जो बातचीत है वो करेंगे। और साथ ही साथ जहां पर एनसी की बात करते हैं, एनसी को जो है किस तरह का झटका लग रहा है, इस पर भी जो है चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इसी पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से एनसी को एक बार फिर बड़ा झटका लग रहा है, जहां पर पहले से ही एनसी को छोड़ चुके ये जो नेतागण हैं ये आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में रखा गया है, इसमें जो है एक डिबेट तो जरूर होनी चाहिए, इस पर बात भी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार फिर यहां पर एनसी की अगर बात करें उन्हें बड़ा झटका लग रहा है। कहा कि दो बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे देवेंद्र राणा की और सुरजीत सिंह सलाथिया की। उन्होंने जब पार्टी को ज्वाइन किया है, बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना इम्प्रेशन और बनाने के लिए उनके साथ जो जुड़े हुए लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं या बतौर इंडिपेंडेंट वो जीते हुए हैं, उनको भी जो कॉर्पोरेशन के चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट जीते हो उनको ज्वाइन करवा करके वो जो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है उस पर एक इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज चेतना मैं बता दूँ, वाकई में एक बड़े नेता जो है वो ज्वाइन कर रहा है, प्रेम सागर अजीज, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर कांग्रेस के कोटे से रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर चुके थे, बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था। प्रेम सागर अजीज के अलावा धर्मवीर सिंह जम्वाल, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता होने के साथ साथ वो डेप्यूटी मेयर, फॉर्मर डेप्यूटी मेयर भी हैं। सुच्चा सिंह है, अशोक कुमार मनास है, ये दो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स हैं, यानी काफ़ी सारे लोग जो ज़्यादातर जो प्रभावित थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो पार्टी को छोड़ करके या जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने कॉर्पोरेशन जम्मू कॉर्पोरेशन के चुनाव जीते हुए हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के लिए गुडी गुडी पोजीशन है, भाजपा में और लोग आ रहे हैं, ज्यादा भाजपा पार्टी जो है स्ट्रेंथन होगी, तो ये भाजपा के लिए तो अच्छे संकेत है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सेटबैक है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक अच्छा अवसर है, जहाँ पर जनता के लिए भी एक मैसेज जा रहा है कि बाकी पार्टीज के जो नेतागण हैं वो उन पार्टीज का दामन छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पर अगर एनसी की अगर बात करते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि क्या कुछ बड़े लूपहोल्स यहाँ पर हो सकते हैं एनसी पार्टी में, जो ये तमाम नेतागण जो है अब इस पार्टी का दामन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। जितना ऐसा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देवेंद्र सिंह राणा के जाते ही रतनलाल गुप्ता को प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बना दिया, सुरेंद्र सिंह बंटी जो पेशे से एडवोकेट हैं वो स्पोक्स पर्सन भी है, वो स्पोक्स पर्सन भी कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ उनको वाइस प्रेसिडेंट यूटी का बना दिया है। और उन्होंने भी रिसेंटली पुंछ राजौरी का डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दौरा किया था, अब वो चिनाब वैली का दौरा करेंगे, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे उस डिस्ट्रिक्ट को स्ट्रेंथन करेंगे। कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों ने रिजाइन दे दिया हुआ, जो जिनका ताल्लुक देवेंद्र सिंह राणा के साथ बेहतर संबंध थे, उन डिस्ट्रिक्टों में नए सिरे से प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ खामियां रही होंगी जिसके कारण
कुछ लोग छोड़ के चले गए हैं या कुछ लोग चेतना अवसरवादी होते हैं, उनको अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो अपना मौका देखते हैं, मौका देख करके वो पार्टियां छोड़ते हैं, और जो सत्ता पे विराजित होता है, जिसके पास पावर होती है, उसके तरफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, जैसे मैग्नेट के साथ लोहा जाता है ज्यादा, ऐसे पावर के साथ बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो वक्तन वक्तन पार्टियां बदलते हैं, ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। और लेकिन दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नए सिरे से अपने आप को जम्मू प्रोविंस में स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल विनोद जी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो वो इस मौके को एक तरह से जो है अपना रही है, मतलब जिस तरह से उसे ये झटके लग रहे हैं इन झटकों से वो घबरा नहीं रही है, बल्कि जो भी लोग उनका ये दामन छोड़कर जा रहे हैं उनका जो जगह जो है वो भरने की पूरी कोशिश हो रही है। बिल्कुल चेतना, जो भी पार्टी, जिस पार्टी को इस तरह के झटके लगते हैं, जिस पार्टी के बड़े नेता, हालांकि आपको बताते चले नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी जमात है और बड़े सालों तक उन्होंने हुकूमत की है, अगर हुकूमत किया है तो वो जम्मू से भी उनके लोग जीत के आते थे, जम्मू में भी उनका कैडर है, उस कैडर को रिवाइव करने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र सिंह राणा को बहुत समर्थन है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनके बड़े सारे लोग अभी भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को मजबूत स्ट्रेंथन करने के लिए कोशिश करे कि जो उनका कैडर है उसको नए सिरे से रिवाइव करे, कैडर किसी तरीके से देवेंद्र सिंह राणा या फिर सुरजीत सिंह सलाथिया के बहकावे में आकर के पार्टी ना छोड़े, इसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आज कार्यक्रम जो है वो रखा गया है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, एनसी को छोड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का एक फैसला जो है वो लिया है, किस तरह से इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाता है और किस तरह से ये तमाम नेतागण जो है भारतीय जनता पार्टी को ये ज्वाइन करते हैं, ये आने वाले समय में देखना होगा।